कई दिनों से अच्छा दुश्मन थे, पिछले 6 महीने लोग ही कह रहे हैं कि आप सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है राजस्थान में, अच्छा काम किया सरकार ने। तो मैं समझता हूँ कि इस बार माहौल रिपीट करने वाला है। और मैं केरला जाके आया था, तो केरला में 70 साल से सरकारें एक बार कांग्रेस एक बार सीपीएम की आती है, कम्युनिस्ट पार्टी की आती है। इस बार उन्होंने पहले कह दिया साहब सरकार रिपीट होगी। मैं क्यों? आप कोरोना में अच्छा काम किया, तो कोरोना में अच्छा काम किया रिपीट होगी सरकार वहां पे केरला की सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी की। तो हमने तो जो है बढ़ चढ़ के काम किया है, हमने जो काम किया है वो तारीफ काबिल है सब जगह। गुड गवर्नेंस दिए 5 साल, उसके अलावा हम लोगों ने जो है गुड गवर्नेंस के अलावा गारंटी दी है और प्रबंधन अच्छा किया है सबका, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कों का, सब तरह से हमने गवर्नेंस का काम किया, आईटी बेस्ड काम किया है, आईटी बेस्ड काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उच्च रूप में काम जो हुआ है उसको लोग लाइक कर रहे हैं। सर वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर पे इशू उठा रही है, आप लोग अलग अपने गुड गवर्नेंस पे जा रहे हैं, जो स्कीम उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मैं समझता हूँ राजस्थान में तुलनात्मक दृष्टि बहुत बेहतर है। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो देश में कहां नहीं हो रही है। बीएचक्यू जो है जहां प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, वाराणसी के अंदर वहां पर जो है वहां पे लड़के गए अंदर कॉलेज में, लड़की को पकड़ा एक तरफ ले गए, उसके बदतमीजी करी, कपड़े उतार दिए उसके। क्या कहोगे, 10 दिन पहले की बात है, अभी 10 दिन पहले की बात है। अगर वहां बीएचक्यू में हो सकता है जो प्रेम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो घटनाएं छोटी बड़ी तो कई छोटी होती है, बड़ी भी होती है, कहीं रेप हो गया, कहीं अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया। पर साथ में राजस्थान वो राज्य है जहां पर आप देखिएगा, गौर करने वाली बात है कि एक जगह भी जो है थानों में एफआईआर कंप्लीट की हुई है। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है जहां पर थानों में जाएगा तो एफआईआर कंपनी कर दिए, दर्द होगी होगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया, सरकार बंद ही किया था, उसके कारण हर कोई जाने की हिम्मत करता हुआ जाऊंगा तो मेरी सुनवाई होगी, पहले सुनवाई होती नहीं थी। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार जो आपका जो ये जो फैसले हमारे हैं, इतने रिफॉर्म किए हमने कि पहले 56(3) में कोर्ट से मुकदमे दर्ज होकर आते थे आदेश पुलिस को, भाई आप जांच करो, आने बंद हो गए लगभग, क्योंकि हम खुद ही मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क पड़ा है, उनकी तारीफ कोई नहीं करेगा, घटना तो कोई हो ही सकती। देखिए दूसरी तरफ आप देखें बीजेपी तरफ से प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कैंपेन किए हैं, तमाम जो मंत्री हुआ आएंगे, कांग्रेस तरफ से अगर बात करें तो आपने कमान संभाली हुई है यहाँ कैंपेनिंग की। देखिए मैं कह सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है जिस रूप में वो भाषा बोल रहे हैं वो मैं उचित नहीं मानता। वो हमारी आलोचना करे, सरकार की आलोचना करे, कमियां बताए, गवर्नेंस की आलोचना करे, विकास की आलोचना करे, या कमियां बताए विकास में, उसमें नहीं। ऐसे किससे गाने बताते हैं, वो भड़काने वाले होते हैं, वो जातियों को धर्म के नाम पर, वो उचित नहीं कह सकते, उचित नहीं कह सकते। कह दिया उन्होंने कि कांग्रेस सरकार जो है वो आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाली सरकार है, कांग्रेस प्रदेश को बर्बाद करके रहेगी, ये उचित हो सकता है? अगर कोई सरकार चाहे हमारी हो चाहे कोई भी हो आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, आसान में रखती है, तो केंद्र सरकार बर्खास्त कर दे उसको। हमारी सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? वो उनको अधिकार है। अगर देश द्रोही सरकार है जो आतंकवादी मिली हुई है तो सरकार बर्खास्त करना चाहिए, मेरा ही मानना है। तो आप खाली जनता को भड़का रहे हो।